जैसा कि आप सभी को पता है, पायल मलिक बिग बॉस ओटीटी 3 से एविक्ट हो चुकी हैं। जी हाँ, एविक्शन के बाद पायल मलिक के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं, जिसका आज हम खुलासा अपने इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, पायल मलिक ने इंटरव्यू के दौरान शिवानी को लेकर, दीपक चौरसिया को लेकर, अपने हस्बैंड अरमान और अपनी सौतन कृतिका मलिक के प्रति कुछ बातें कही हैं, जो कि बिल्कुल चौंकाने वाली बातें हैं। दरअसल पायल मलिक का यह कहना है कि शिवानी अपने पूरी तरीके से वो क्या है वो उस शो में नहीं दिखा रही है। शिवानी पूरी तरीके से नौटंकी करके जीतना चाहती है। उनका कहना है कि शिवानी मनीषा रानी जैसी भी बिल्कुल नहीं है। मनीषा रानी काफी ज्यादा पोलाइट थी और काफी ज्यादा अच्छा बिहेव रखती थी, परंतु जो शिवानी कुमारी है वो काफी ज्यादा बदतमीज है और वो बिग बॉस ओटीटी 3 के अंदर जितने भी एल्डर, जितने भी बड़े कंटेस्टेंट्स हैं, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हैं और काफी ज्यादा बेशर्मी से पेश आती हैं। उन्होंने रणवीर को, दीपक चौरसिया को, और इनफैक्ट मैं खुद 32 साल की हूँ और शिवानी कुमारी 21 साल की होकर मुझसे तक उन्होंने बदतमीजी से बात करी है। उनका कहना यह है कि शिवानी कुमारी काफी ज्यादा ऑडियंस को अपने तरफ प्रभावित करने की वजह से लोगों से बदतमीजी से पेश आ रही हैं। उनका कहना है कि शिवानी कुमारी हमें पहले से बहुत बेहतर तरीके से जानती थी, पर फिर भी उन्होंने झूठ बोला कि वो हमें बिग बॉस हाउस में ही जानती है, जबकि वो हमारी शादी में भी आई थी, इन्वाइटेड थी। उस टाइम पे उनके कुछ 1.2 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो हमने उनको भी बुलाया था और काफी उन्होंने एंजॉय करा भी था। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे यह बात पूछी गई कि क्या आप दो शादी के लिए दूसरे लोगों को भी एडवाइस देंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई दूसरे लोग भी हमसे इन्फ्लुएंस होकर दो शादियां करें, क्योंकि जिस तरीके का प्यार हमारे और कृतिका के बीच में है, वैसा प्यार हर एक सौतनों के बीच में नहीं हो सकता है। पायलिक अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि ट्रॉफी हमारे ही घर आए, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कृतिका और को सपोर्ट करें। अगर आप लोग इस शो के अंदर कृतिका और अरमान को रहने देंगे तो फिर आप लोग हमारे रियल लाइफ को भी थोड़ा ज्यादा जान पाएंगे। पायल मलिक कहती हैं कि मैं तो अपने आप को विनर मानती हूं, क्योंकि मेरा जो एविक्शन है वो बिल्कुल अनफेयर तरीके से हुआ है। मैं ऑडियंस की तरफ से बाहर नहीं आई हूं, मैं घर वालों की वजह से एविक्ट हुई हूं। और उन्होंने कहा कि नेजी और दीपक चौरसिया की वजह से मुझे एविक्शन का यह दौर झेलना पड़ रहा है। उनका कहना है कि नेजी से मैं अभी बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, क्योंकि नेजी ने एक एपिसोड में यह बात कही है कि उनको मेरे एविक्शन से काफी ज्यादा दुख हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉमिनेट करा था। परंतु दीपक चौरसिया से नाराजगी जताते हुए पायल मलिक ने यह कहा है कि वो तो हमसे शुरू से ही चिढ़ते थे और वो अक्सर यह बात बोला करते थे कि ये तीनों एक ही घर से इस शो के अंदर क्या करने के लिए आए हैं। तो सारी ही बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं और अब मैं जानना चाहती हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि पायल मलिक का एविक्शन अनफेयर है कि फेयर है, आप लोगों को क्या लगता है, और साथ ही साथ में कि दो शादियों को लेकर के आपकी क्या राय है वह भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ में ओटीटी 3 के विनर के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं यह भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइज, बाय बाय।